दोस्तों, वेलकम यू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम जिस अनुपम पौधे की बात करने वाले हैं वो बेहद मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो है बांस। मैंने कहा भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो सीधे बताता हूँ दोस्तों, यही वो पौधा है जो मनुष्यों की अंतिम यात्रा का साथी होता है। ये बहुत ही वफादार पौधा है दोस्तों। दोस्तों, इसको हम कभी नहीं कहेंगे कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। हमेशा एक गार्डन के तौर पर यही कहेंगे, एक पौधे संरक्षक के तौर पर यही कहेंगे, रहेगी बांस और बजेगी बांसुरी। दोस्तों, इस पौधे को जो कि मेरे पास लगभग कहूँ तो काफी सालों से है, 7-8 साल से ऊपर हो चुका है, लगभग 9-9.5 फीट का पहुंचने वाला है। आप देखिए जो अपर सूट सबसे गई हो, लगभग टच छत को टच करने वाली है, ठीक है। तो ये पौधे को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से परवरिश की। अभी कुछ ही मुश्किल से 2 महीना पहले मैंने इसका पॉट चेंज किया था और इसमें किया था, लेकिन दोस्तों ये पॉट इसके हिसाब से नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी कि इसको किस तरह के पॉट की जरूरत होगी और भविष्य में हम रिपोर्ट करेंगे तो उसी तरह के पौधे में करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये घास है, ये घास फैमिली का प्लांट है, बांस बम्बू जिसको हम लोग कहते हैं। जब बात करते हैं कि ये घास है तो स्वाभाविक रूप से 2 चीजें निकल के आती हैं दोस्तों, कि ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर वाला प्लांट नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको वाटर जरूर चाहिए ज्यादा, ये वाटर वाला प्लांट है। इसको अगर वाटर रेगुलर मिलता रहे, सनलाइट रेगुलर मिलता रहे, ये बहुत अच्छा सा ग्रो करता है। दोस्तों, ये तो हुई घास परिवार के पौधों वाली बात, लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है, महत्वपूर्ण बात है कि जब हम इसको एक पॉट में कर देते हैं तो इसकी दुनिया बदल जाती है। ऐसे में हमें फर्टिलाइजर, वाटर, इन सबका एक स्पेशलाइज्ड केयर देना पड़ेगा, ठीक है। वो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में बताऊं कि पहले तो मैं ये बताऊं कि इसका पॉट जो होना चाहिए वो गोलाई में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लगभग अगर मैं कहूँ 1 फुट 12 इंच 14 इंच का गोलाई का प्लांट हो, वो पॉट हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, गहराई जरूर इतनी होनी चाहिए। तो ये पौधा आने वाले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ पा जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ देखिए नई शूट्स निकल रही है इसकी, ये मैं दिखाऊं, ये नई शूट्स इसकी निकल रही है। ये पौधा अपनी मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर रह रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है कि इसका पॉट अगर 12-14 इंच डायमीटर वाला होगा और लगभग उतना ही गहरा हो या थोड़ा सा उससे ज्यादा भी हो, इस पौधे को जो स्पेस मिलेगा नए सूट निकलने का वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ये हुई, अब इसकी बात करते हैं सॉयल की। दोस्तों, ये मैंने बताया कि घास एक तरह से है तो इसको ज्यादा मिट्टी ही चाहिए। तो 50-55% 60% हमारे पॉट में मिट्टी हो, 20% बालू हो। बालू के साथ दोस्तों एक चीज और करते हैं, जो लाल वाली मोरंग होती है वो भी अगर हम मिला देंगे, और छोटी छोटी गिट्टियां जिसको हम लोग इस एरिया में जीरा गिट्टी कहते हैं वो भी मिला देंगे, तो जड़ों को खूब घूमने का, अच्छे से वॉक करने का उस पॉट के अंदर मौका मिलेगा। मिट्टी चिपकेगी नहीं एक दूसरे से, और तो और ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी उनको। तो इस तरह का पौधा डेवलप करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि सॉयल 50-60%, 20% आप 25% ले लीजिए बालू मोरंग, ठीक है, गिट्टी। उसके बाद उसमें 15-20% 25% जो भी रेशियो बचता है वो हम लोग कंपोस्ट ले लेंगे। कंपोस्ट में हमें ये देखना है दोस्तों कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसके लिए सबसे अच्छा है, नाइट्रोजन रिच, क्योंकि पत्तियों के लिए नाइट्रोजन चाहिए, ये पत्ती में ही अच्छी ग्रोथ दिखता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जब होगा तो इस पौधे के लिए वरदान है, ठीक है। इसके लिए और किसी खास फर्टिलाइजर की जरूरत उतना नहीं होती है। ये इस पौधे को दोस्तों हमको लंबा बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये प्लाट, ये जमीन जिस पर हमने अपना मकान बनाया है, ठीक है, अपना भी कहना गलत होगा, ये उन्हीं का है दोस्तों। ऐसे पौधे रहे होंगे, पेड़ पौधे जिस पर चिड़िया आके बैठती रही होंगी, हम लोगों ने उसको काटा ताकत के बल पे, पैसे के बल पर, और अपना आशियाना बना लिया। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस है, छोटा सा एक कार्य है बैलेंस करने का, कि अगर ऐसा हमने किया है, अगर नहीं किया ही है तो हम उनको आसरा जरूर देंगे, हम उनको आसरा जरूर देंगे, हम उनके लिए पौधे ऐसे लगाएंगे जहां पर वो आके बैठ सकें, अपने
चार छह 10 चिड़ियों का झुंड उनके पास आ चुके हैं। यहाँ पर देखें अगर, मैंने वो भी घोंसला भी यहाँ रखा हुआ है। दोस्तों हमें ये चीजों को बैलेंस करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, ठीक है। तो ये एक जरूरी बात थी जो बीच में मैंने किया। मैंने आपको सॉयल बता दिया, ठीक है। सॉयल में दोस्तों हम लोग सूखी पत्तियां खूब डाल दें, ठीक है। उसके बाद हम नीम की पत्तियां भी डाल दें, ठीक है, ताकि इसकी मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना डेवलप हो। तो इस तरह से हमारा सॉयल मिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वाटरिंग की बात करें दोस्तों, तो ये पौधा वाटर रेगुलर चाहिए। वाटर अगर रेगुलर देते रहेंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, हमें ये देखना है, कुछ एरियाज में हम लोग पानी में क्लोरीन वगैरह मिलाते हैं साफ करने के लिए। ऐसा अगर हम पानी देंगे इसमें तो पत्तियां पीला पड़ना शुरू हो सकती है। घबराने की बात नहीं है, लेकिन पौधों की ड्यूटी पर असर पड़ता है। तो बेहतर होगा कि हम नॉन क्लोरिनेटेड वाटर ही इनको सर्व करें, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि हम गमले में रख देते हैं जब पौधा, तो ये उनका संसार बन जाता है। हमें हर चीज को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर पानी इसमें बहुत ज्यादा हो गया या पानी बहुत कम हो गया, तो दोनों का ही सिम्टम ये है कि पत्तियां करली होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं। और सिंपल सा है कि हर पौधों के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं कि इस पौधे को जब भी हमको पानी देना हो, हमने इसका मॉइस्चर जरूर चेक करेंगे। जैसे इस वक्त इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर बना हो, तो इस वक्त पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मॉइस्चर बना रहेगा तो ये पौधा हमेशा पानी की कमी से बिल्कुल नहीं जूझेगा। हाँ, पानी अगर कम हो रहा है तो हमें तुरंत इसको सर्व करना पड़ेगा। सर्दियों में मैंने दोस्तों अल्टरनेट डेज पे इसको हम पानी देते रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट रेगुलर बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों ये पौधा ऐसा है कि अगर हम इसका टेम्परेचर की जहां तक बात करें, सूर्य की रोशनी इसको बहुत पसंद है, सूर्य की रोशनी इसको बहुत पसंद है। तो हमारा इसकी पोजीशनिंग वैसी होनी चाहिए जहां पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इसको मिलती रहे। तो ऐसे में ये इसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़िया होगी और अल्टीमेटली पौधा हमारा इसी तरह से ग्रो करेगा। दोस्तों वास्तु के बारे में भी इसके बारे में बोला जाता है कि ये पौधा ईस्ट या साउथ ईस्ट में होना चाहिए। मेरा ये सजेशन है कि वास्तु मानना एक विषय है, न मानना दूसरा विषय है। मानने वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि इस तरह के पौधे जब बड़े हो जाएं, तो उनको तो आप ऐसी जगह पोजीशन करें जहां पर सनलाइट का अच्छा एक्सपोजर हो, अदरवाइज ग्रो नहीं करेंगे। हाँ, वास्तु के हिसाब से मैं एक छोटा सा प्लांट उस पर्टिकुलर प्लेस में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग से ला के रख सकते हैं। दोस्तों जहां तक प्रोपगेशन की सवाल है, बहुत भोला भाला सीधा पौधा है, इसकी टहनी काट के लग जाता है। लेकिन जब हम कमर्शियल अप्रोच रखते हैं, ठीक है, तब हमको बहुत सारे जब पौधे बांस की खेती के तौर पे हम लोग करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम प्रीफर करते हैं कि ऐसा कटिंग वगैरह हम करके बढ़ाएं, पौधे खरीदें कम, इससे हमको इकोनॉमिकल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक दो पौधे घरों में लगा रहे हैं, तो बेहतर हो कि हम नर्सरी से लाएं, क्योंकि प्रोपोगेशन में क्या है, इसकी जड़ें वगैरह ग्रो करने में बड़ा लंबा टाइम लगता है, वो फिर हमारा और भी टाइम लग जाएगा इसको आगे बढ़ाने में। तो बेहतर हो कि नर्सरी से हम पौधे लाएं और इसको प्लांट कर दें। दोस्तों ये पौधा ऐसा है जो आज की मॉडर्न एज की जो सबसे बड़ा चैलेंज है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसका एक सब्स्टिट्यूट के रूप में उभर के आ रहा है। ब्रश देखा मैंने इसका बनते हुए, पानी की बॉटल्स देख रहा हूं बनते हुए, न जाने कितनी चीजें बनना शुरू हो गई। ये पौधा हमारे मानव जीवन के को सीधे डायरेक्टली टच करने वाला पौधा है। और चिड़ियों का हमारे तो अपार्टमेंट्स बन ही गया है दोस्तों, यहाँ पर खूब चिड़िया आके बैठती हैं। जब लान में शांति होती है, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा खुश करती हैं दोस्तों। और मेरा मानना है कि जब आपके घर में चिड़िया वगैरह आ रही है, तो इसका मतलब सारा वास्तु वहां का ठीक है, अपने आप ठीक है, अनुकूल वातावरण है प्रकृति के। दोस्तों इस पौधे को कैल्शियम भी थोड़ा सा रेगुलर देते रहे, महीने डेढ़ महीने में एक बार, ताकि इसकी मजबूती में अच्छा फर्क पड़े। इसके अलावा दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जब भी इस पौधे को खाद वगैरह की बात आती, मैंने बताया कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर इसको बेहतर होता है। सरसों की खली इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करें जब भी आप और पौधों के लिए बनाएं, क्योंकि सरसों की खली गर्म होती है। जब गर्म होती है दोस्तों, तो इसकी जड़ें थोड़ा उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना पौधा दिखता है, तो ऐसे में उनको इंजर्ड कर सकती है। मैंने बताया ना घास फैमिली का है, तो घास की जड़ें कैसी होती हैं आप जान सकते हैं। तो ऐसे में बेहतर हो कि हम लोग इसमें उस तरह के फर्टिलाइजर अवॉइड करें जो कि हीट पैदा करती है, और गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल ना दें, अदरवाइज पौधा हमारा खराब होने में बचेगा नहीं दोस्तों।
तो उम्मीद है दोस्तों ये पौधा जितनी जानकारी मैंने आपसे शेयर करी बम्बू ट्री को लेकर के, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगी और हमें अपना फीडबैक देंगे कि इसको और क्या जानकारी आपको चाहिए। तो इस तरह के पौधे दोस्तों अपने घरों में लगाएं, बढ़ाएं और चिड़ियों के लिए भी आशियाना बनाएं। थैंक यू दोस्तों।